हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का वेबसीरीज़फीवर के कॉर्ने एपिसोड में। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम रिव्यू करने वाले हैं TVF की और सोनीलिव ओरिजिनल्स की मच अवेटेड सीरीज कॉलेज रोमांस सीजन 2 का। तो चलिए दोस्तों फटाफट से कॉलेज रोमांस सीजन 2 वेब सीरीज का हम रिव्यू करते हैं और जानते हैं क्या कुछ खास देखने को मिलता है आपको इस सीरीज के अंदर, क्या यह सीरीज आपको देखनी चाहिए या फिर नहीं, सारा को डिटेल में बात करेंगे आज की ऐसे वीडियो में। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जोर से जोर देखिएगा। दोस्तों चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो हमारे चैनल पर पाने के लिए। तो चलिए दोस्तों बिना वीडियो को लंबा किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करें इस सीरीज की, तो दोस्तों ये बेसिकली एक रोमांटिक ड्रामा जॉनर की सीरीज है जिसकी सीजन 1 जो है वो TVF की तरफ से रिलीज की गई थी 2018 के अंदर। और दोस्तों इसका जो सीजन 2 है वो फाइनली हम सभी के बीच सोनीलिव ओरिजिनल्स की तरफ से जो है फाइनली इसे रिलीज कर दिया गया है। कल रात 10 बजे से जो है सोनीलिव पर यह सीरीज जो है स्ट्रीम होने लगी थी। बात करें दोस्तों इस वेब सीरीज स्टार कास्ट की, तो दोस्तों आपको सीजन 1 की ही तरह इसमें भी आपको सेम स्टार कास्ट देखने को मिलते हैं, जैसे कि मंजोत सिंह, अपूर्वा अरोड़ा, केशव साधना, गगन अरोड़ा, श्रेया मेहता जैसे एक्टर्स देखने को मिलते हैं जिनकी एक्टिंग आपको काफी ज्यादा डिसेंट और प्रॉमिसिंग देखने को मिल जाती है इसी सीरीज के अंदर। बात करें दोस्तों अब इस सीरीज की स्टोरी और प्लॉटिंग की, तो दोस्तों मैं आपको पहले ही बता दूं कि अगर आपने इस वेब सीरीज का सीजन 1 अगर आपने नहीं देखा तो आपको जो है इसका सीजन 2 बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाला है। इसलिए दोस्तों मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप अगर इस सीरीज के सीजन 1 को नहीं देखे हो तो पहले इसके सीजन 1 को देख लीजिए, उसके बाद ही इसके सीजन 2 को आप देखिएगा तो आपको ज़्यादा मज़ा आने वाला है। बात करें स्टोरी की, तो दोस्तों यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा इस वेब सीरीज की स्टार्टिंग में एक स्मॉल रियूनियन, जहाँ पर कि हमें देखने को मिलेंगे ट्रिपी और करण, जो कि बहुत ही दिनों बाद जो है यूनियन में सबको ही मिलते हैं। और यहीं पे देखने को हमें मिलता है कि किस तरह से कुछ साल पहले जिस तरह से इनकी दोस्ती थी और किस तरह से इनकी जो लव लाइफ चल रही थी उस तरह से दोस्तों अब उनकी जो है लव लाइफ और इनकी दोस्ती उस तरह की नहीं है, बहुत कुछ बदल गया है। अब किस तरह से आगे हमें ये देखना होगा कि किस तरह से इनकी दोस्ती पहले जैसी हो जाती है और सारे के जो भी जितने भी बंदे हैं यहाँ पे उनकी लव लाइफ ठीक होती है या फिर नहीं, इसी तरह की कुछ आपको स्टोरी देखने को मिलेगी। और सीजन 1 की तरह आपको यहाँ पे एक गहरी दोस्ती आपको देखने को मिलेगी, साथ ही साथ यहाँ पर ये भी देखने को मिलेगा कि कैसे एक दोस्त दूसरे दोस्त का मदद करता है, सारा कुछ देखने को मिलेगा। बहुत ही ज़्यादा इंगेजिंग और बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त ये सीरीज़ है। तो दोस्तों आप सभी को मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप इस सीरीज़ को जरूर से जरूर देखें। बात करें दोस्तों इस सीरीज़ के अंदर आपको इस बार कितने एपिसोड देखने को मिलते हैं, तो दोस्तों एज यूजुअल सीजन 1 की तरह आपको इस सीजन में भी आपको टोटल 5 एपिसोड देखने को मिलते हैं, जो कि दोस्तों 25 से 35 मिनट के आसपास के हैं। तो दोस्तों ऑल ओवर आप इस सीरीज को 2 घंटे कुछ मिनट के आसपास में आप इस सीरीज को निपटा सकते हो और ये सीरीज माइंड ब्लोइंग और बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त सीरीज में से एक है। बात करें स्क्रीन प्ले की, तो स्क्रीन प्ले भी आपको काफ़ी ज़्यादा इंगेजिंग और प्रॉमिसिंग देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों फाइनली ये जो सीरीज है वो सोनीलिव पर स्ट्रीम हो रही है, तो आप फटाफट से जाएँ सोनीलिव पर और इस सीरीज को इंजॉय करें। यही थी दोस्तों इस वेब सीरीज की रिव्यू। आपको रिव्यू कैसे लगे नीचे कमेंट करें। फिलहाल आज के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।